हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण में आज भाग 6 पढ़ने वाले हैं हम लोग। यह कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण का अंतिम भाग है। आज के वीडियो में क्या क्या शामिल है देखो, एली साइक्लिक यौगिकों का नामकरण और एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, लेकिन कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों क्लास के लिए IUPAC नामकरण उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 12 है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, और यह लेक्चर नंबर 11 होगा। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण हम लोग लेक्चर नंबर 6 से शुरू किए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, और आज लेक्चर नंबर 11वां है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एली साइक्लिक यौगिकों का नामकरण। तो एली साइक्लिक यौगिकों के नामकरण के लिए नियम को देखें आप। तो एली साइक्लिक यौगिकों के लिए आप नियम को देखें। पहला पॉइंट है, एली साइक्लिक यौगिकों के नामकरण में पूर्वलग्न या प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो शब्द लगाते हैं। याद रखें, साइक्लो शब्द को पूर्वलग्न या प्रीफिक्स के रूप में जोड़ा जाना है। दूसरा पॉइंट है, जब चक्रीय श्रृंखला से ऐसी सीधी चेन जुड़ी हो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या चक्रीय श्रृंखला से अधिक हो, अथवा जब एक सीधी श्रृंखला से एक से अधिक चक्रीय श्रृंखलाएँ जुड़ी हों, तो यौगिक का नाम साइक्लो एल्किल एल्केन के रूप में करते हैं। पॉइंट को समझें आप, यह है एक एली साइक्लिक यौगिक है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है 3। इसको हम खुले रूप में यहाँ दिखा रहे हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, CH2, CH2, CH2। ठीक है, यह साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या है 3 और प्रोपेन के नाम के आगे साइक्लो शब्द जोड़ेंगे, तो यह हुआ साइक्लोप्रोपेन। अगर इससे एक सीधी श्रृंखला वाला कार्बन चेन जुड़ा हो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या इस साइकिल से अधिक हो, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है और यहाँ मान लेते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या 4, 5, 6 इससे जुड़ी हो सकती है, तो ऐसे यौगिकों का नामकरण हम साइक्लो एल्किल एल्केन के रूप में करते हैं। ठीक है, या फिर इसी से एक से अधिक श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, चक्रीय श्रृंखलाएं होंगी, मान लो कि इस तरह से श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, यहाँ 2 साइक्लिक श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, तो इनको हम नामकरण के लिए साइक्लो एल्किल एल्केन लिखेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट को समझो आप। तीसरा पॉइंट है, जब चक्रीय श्रृंखला से ऐसी सीधी चेन जुड़ी हो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, तो ऐसे यौगिक का नामकरण साइक्लो एल्केन के व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। यहीं पे इस बात को भी समझ लो, यदि चक्रीय श्रृंखला के साथ कार्बन परमाणुओं की ऐसी सीधी चेन जुड़ी हो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या इनकी अपेक्षा कम हो, तो इनका नामकरण हम साइक्लो एल्केन के व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, नामकरण के शेष नियम पूर्ववत हैं। जैसा अभी तक हम लोगों ने नामकरण में सारे नियम अप्लाई किए हैं, वो सारे नियम यहाँ भी काम आने वाले हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पर चलेंगे, ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एली साइक्लिक यौगिकों के लिए 10 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और सबका हम नामकरण कराने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखो इसको। एग्जाम्पल में पहला है, यहाँ त्रिभुज जैसी एक आकृति दिख रही है, इसको हमने अभी अभी बताया है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें 3 होती है, क्योंकि सभी कॉर्नर पे CH2 CH2 स्थित हैं, अतः 3 कार्बन के लिए हम शब्द मूल क्या लगाते हैं, तो 3 कार्बन के लिए शब्द मूल लगाएंगे प्रोप, और प्रोप के आगे प्राइमरी सफिक्स जोड़ेंगे तो प्रोपेन होगा। ठीक है, और साइक्लिक यौगिक है तो इसके नाम के आगे साइक्लो शब्द लगाएंगे, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी 4 और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ, तीसरे नंबर पे आते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या गिनेंगे,
तो कार्बन परमाणुओं की संख्या है 6 और इन 6 कार्बन परमाणुओं के लिए हम शब्द मूल लगाते हैं हेक्स, प्राइमरी सफिक्स ए एन ई जोड़ेंगे तो हेक्सेन होगा और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आप यहाँ देखो पूर्व लग्न भी लगा हुआ है, तो एक साइड चेन दिख रही है, ग्रुप दिख रहा है और यह ग्रुप है CH3 अर्थात मेथिल ग्रुप। ठीक है, और इस रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 5 अर्थात यह है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और इसके साथ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो अब इसके लिए नंबरिंग शुरू होगी। एक नंबर कार्बन, इस कार्नर वाले कार्बन को एक नंबर की पोजीशन देंगे और इससे मेथिल समूह को दिखाएंगे, बाकी इस डायरेक्शन से भी चाहे इस डायरेक्शन से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। वन मेथिल साइक्लोपेंटेन। चलो पांचवें नंबर पे आ जा रहे हैं और पांचवें नंबर के एग्जांपल में OH समूह दिख रहा है जो साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है और OH समूह को हम जानते हैं कि यह एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसको हम सफिक्स के रूप में लिखेंगे एल्कोहल समूह को और यह है 6 कार्बन की रिंग, तो इसके लिए साइक्लोहेक्सेन और एल्कोहल को हम लिखते हैं सफिक्स के रूप में, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 और 1 पोजीशन से ऑल दिखाएंगे क्योंकि नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, छठे एग्जांपल में OH समूह भी दिख रहा है, CH3 समूह भी दिख रहा है। अब यहाँ देखो यह क्रियात्मक समूह हो गया, इसको अनुलग्न के रूप में, यह है साइड चेन, इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे और 3 कार्बन परमाणुओं की यह रिंग है, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन और इसके साथ मेथिल समूह दिखाएंगे, OH समूह दिखाएंगे। आप सोचो नंबरिंग किधर से करें, किस डायरेक्शन में करें, चूँकि यह क्रियात्मक समूह है ना, तो इसको तो 1 नंबर पोजीशन देना है, 1 नंबर पोजीशन, 2-3 ऐसे करें या 2-3 ऐसे करें। तो आपने अगर पहले से IUPAC नामकरण वाली वीडियोस देखे हैं तो आप जान रहे होंगे कि जिधर से ग्रुप नज़दीक होते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं। तो इस कार्बन को हम दे रहे हैं 1 नंबर पोजीशन, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, अब देखो यह है पूर्व लग्न, तो इसको हम लिखेंगे 2 मेथिल। इसके बाद शब्द मूल के रूप में साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन और 1 नंबर पोजीशन से एल्कोहल समूह को दिखाएंगे 1-ऑल। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं 2 मेथिल साइक्लो प्रोपेन 1-ऑल, इसको भी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखो साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल। ठीक है, चलो सातवें नंबर पे चलते हैं और इसमें आप देखो साइक्लिक चेन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH, एक मेथिल समूह जुड़ा है और एक डबल बॉन्ड भी है। और ऐसे यौगिकों के लिए देखो सबसे पहले नंबरिंग शुरू करेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह से और जिधर डबल बॉन्ड होगा नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करते जाएंगे, उसके बाद साइड चेन का ख्याल करेंगे। तो आप नंबरिंग करो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड है तो यह साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह OH है, इसको अनुलग्न के रूप में यूज करेंगे, इसको हम पूर्व लग्न के रूप में यूज करेंगे जो मेथिल समूह है। तो मेथिल समूह किस नंबर से दिख रहा है, 3 नंबर से, तो पूर्व लग्न के रूप में इसको यूज करेंगे 3-मेथिल। इसके बाद शब्द मूल की बारी है और शब्द मूल के रूप में हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स, साइक्लो
हेक्स, दो नंबर के साथ इन लगा है जिसको प्राइमरी सफिक्स के रूप में लगाना है, तो टू इन हेक्स टू इन, और एक नंबर के साथ ओएच है ना, तो वन आल, वन आल, ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, थ्री मेथिल साइक्लोहेक्स टू इन वन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आप आ जाओ और देख लो, आठवें नंबर में साइक्लिक चेन है जो पांच कार्बन की है, अर्थात साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। इसके साथ क्रियात्मक समूह लगे हैं, दो क्रियात्मक समूह, एक कार्बोक्सिल समूह और दूसरा ओएच समूह, एल्कोहल समूह। तो मुख्य यौगिक जो होगा वह वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह होगा ऊपर की तरफ, उसके आधार पे इस यौगिक का नामकरण करेंगे। क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची में एसिड समूह ऊपर होता है, एल्कोहल नीचे होता है, अर्थात इसको एसिड मान करके नामकरण किया जाएगा। और नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुख्य क्रियात्मक समूह है, उस डायरेक्शन में आएंगे इधर से दूसरे क्रियात्मक समूह जिसको प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है, इसको कम अंक मिले। तो आप देखो नंबरिंग कर रहे हैं, यह एक नंबर कार्बन, दो तीन चार पाँच। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इन संरचनाओं में प्रॉब्लम आ रही है, इनको आबंध रेखा सूत्र कहते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला वाला जो वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। तो आबंध रेखा सूत्र अगर क्लियर रहेगा, चूँकि एलिसाइक्लिक यौगिकों को और एरोमेटिक यौगिकों को अधिकतर आबंध रेखा सूत्र द्वारा ही लिखा जाता है, तो आबंध रेखा सूत्र का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। चलो अब नामकरण करते हैं इसका। ये देखो साइक्लोपेंटेन है ना, OH को प्रतिस्थापी समूह जब हम मानेंगे तो इसको पुरोलग्न के रूप में लगाएंगे, तो टू हाइड्रॉक्सी के रूप में लिखेंगे इसको, टू हाइड्रॉक्सी। इसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, वन नंबर के साथ ओइक एसिड दिखाएंगे, वन ओइक अम्ल, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, टू हाइड्रॉक्सी साइक्लो पेंटेन, वन ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, नौ नंबर वाले एग्जांपल पे। और अब आप ध्यान दो, जो नामकरण के नियम में दूसरा पॉइंट था वहाँ हम लोगों ने इसी बिंदु को लिखा था। देखो यह साइक्लिक चेन है और यह सीधी श्रृंखला वाली चेन है। साइक्लिक चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या है तीन और सीधी श्रृंखला वाले चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या है चार, अर्थात जो मुख्य चेन है जिसको पेरेंट चेन या फिर पितृ श्रृंखला कहते हैं, तो पितृ श्रृंखला हमारी यहाँ सीधी चेन है और इसको हम एल्किल समूह के रूप में लिखेंगे, चूँकि साइक्लो है तो इसको साइक्लो एल्किल और इसको एल्केन के रूप में, तो इसका नामकरण करते हैं हम साइक्लो एल्किल एल्केन के रूप में, और यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो साइक्लो एल्किल किस नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसके लिए नंबरिंग करनी होगी, नंबरिंग हम मुख्य जनक श्रृंखला पर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो वन टू थ्री फोर, इस दिशा में दो नंबर कार्बन पे साइक्लो समूह लगा है, और इधर से करते हैं तो तीन नंबर हो जाएगा, अर्थात इधर से हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करो आप, वन टू थ्री फोर, ठीक है। टू साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपिल ग्रुप बोलेंगे इसको, टू साइक्लोप्रोपिल। इसके बाद चार कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, ठीक है, यह इसका पूरा नाम हुआ, टू साइक्लो प्रोपिल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आ जाओ आप, दस नंबर वाले, आप इसमें ध्यान दो, जो सीधी चेन है
1, 2, 3, 4, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है 4, और जो रिंग वाली चेन है इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात मुख्य जो कार्बन श्रृंखला होगी वह रिंग वाली होगी, यही पितृ कार्बन श्रृंखला है। और अब हम जब नामकरण करेंगे तो इसको ग्रुप के रूप में मानेंगे, इसको मुख्य चेन मानेंगे, ठीक है। तो इसको ग्रुप के रूप में मानेंगे तो यह ग्रुप 4 कार्बन परमाणुओं का सीधा है, अर्थात यह ब्यूटिल समूह है। और इसकी पोजीशन दिखाएंगे 1 नंबर कार्बन के साथ, जहां से ग्रुप लगा है उसी को 1 नंबर पोजीशन देंगे, नंबरिंग हम अब रिंग पे करेंगे, ठीक है। तो अब क्या इसका नाम होगा, इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे 1-butyl cyclohexane, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, नाम लिखता हूं 1-butyl, इसको हम कोष्टक में कर देते हैं, साइक्लो हेक्सेन, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं 1-butyl cyclohexane, ठीक है। तो ये हो गए एलीसाइक्लिक यौगिकों के लिए नामकरण, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एरोमेटिक यौगिकों के लिए नामकरण के नियम। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण और एरोमेटिक यौगिकों का कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लें दिमाग में, जान लें एरोमेटिक यौगिक किनको कहते हैं। वे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है तथा बेंजीन के सभी व्युत्पन्नों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है उनको भी एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, और कुछ विषम चक्रीय यौगिक भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं। देखो यहाँ बेंजीन तथा बेंजीन के सभी व्युत्पन्नों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग होती है वे भी एरोमेटिक यौगिक हैं, और कुछ विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक होते हैं। इसके लिए यहाँ एक एग्जांपल बता दे रहे हैं हम, देखो यह है पिरिडीन, पिरिडीन, और यह एक एरोमेटिक यौगिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि विषम चक्री हिंदी में कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल में यहाँ से एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है। तो पहले बेंजीन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ ग्राफिक सूत्रों द्वारा हम समझा दे रहे हैं। देखो बेंजीन 6 कार्बन का रिंग युक्त यौगिक है, चक्री यौगिक है, 6 कार्बन, जिसमें हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, ठीक है, और एकांतर क्रम पे द्विबंध हैं, ठीक। हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है। इस बेंजीन रिंग को या इसकी संरचना को आबंध रेखा सूत्र द्वारा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं, आबंध रेखा सूत्र द्वारा इस प्रकार से दिखाया जाता है, आबंध रेखा सूत्र द्वारा। और इसकी अनुनादी संरचना जब बनाते हैं तो ये डबल बॉन्ड क्या है, एक जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ जो आती है कार्बन कार्बन के मध्य, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, अर्थात एक जगह द्विबंध फिक्स नहीं है, और सभी बंधों में द्विबंध और एकल बंध के मध्य का गुण होता है। और इसके लिए हम एक संरचना लिखते हैं आबंध रेखा सूत्र में, शॉर्ट में इस तरह से दर्शा देते हैं, ठीक है। अर्थात ये बॉन्ड जो है क्या कर रहा है, मूवेबल है, हर कार्बन के साथ यह घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए हम ऐसा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आबंध रेखा सूत्र में मुख्यतः इन सूत्र या फिर इसका प्रयोग करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के नियम क्या हैं, पहले देखें इसे नियम। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण में बेंजीन चक्र को मुख्य श्रृंखला या नाभिक मानते हैं तथा एल्किल समूहों को पार्श्व श्रृंखलाएं मानते हैं। तो सभी एरोमेटिक यौगिकों में इस बेंजीन चक्र को ही मुख्य यौगिक मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे या फिर पितृ श्रृंखला मानेंगे, और बाकी इसके साथ जो समूह जुड़े होंगे उनको पार्श्व श्रृंखला मानकर हम नामकरण करेंगे, ठीक है। नामकरण के शेष नियम पूर्ववत हैं, जैसे अभी तक हम लोग नामकरण करते आए हैं वे सारे नियम अप्लाई होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें।
तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण में एग्जांपल्स पर, और इसमें हम देखेंगे दो कैटेगरी, एक नाभिक प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक और एक पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक। पहले नाभिक प्रतिस्थापी को समझो आप। नाभिक प्रतिस्थापी क्या है? तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह सीधे सीधे नाभिक से जुड़ा होता है, इनको नाभिक प्रतिस्थापी कहते हैं। और वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह नाभिक से नहीं जुड़ा होता है बल्कि पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है, ये देखें, पार्श्व श्रृंखला के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसलिए इनको पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी कहते हैं। और दोनों के नामकरण के नियम अलग हैं। यहाँ हम इनको साइड ग्रुप के रूप में लेते हैं और इस कैटेगरी में जो है हम इसको साइड ग्रुप में लेते हैं, ठीक है। यहाँ एल्किल समूह मानते हैं और यहाँ फेनिल समूह मानते हैं, फेनिल, ठीक है। तो चलो नामकरण करते हैं। एग्जांपल वन पे आ जाओ और वन में देखो यह क्या है, एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। हम पोजीशन दिखाएंगे अगर तो इसको एक नंबर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, इस डायरेक्शन से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 1-methyl-benzene, ठीक है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1-methyl-benzene। सामान्य नाम में हम इसको जानते हैं कि अटालबिन है, इसको मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, 1-methyl-benzene। चलो दूसरे नंबर पे आ जाओ, इसी तरह इसको हम क्या नाम देंगे, एक नंबर पोजीशन से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है तो 1-hydroxybenzene, 1-hydroxybenzene, इसकी नंबरिंग भी हम इसी प्रकार करेंगे, सेम है, 1-hydroxybenzene। और सामान्य नाम में बहुत कॉमन है, इसको फिनाल बोलते हैं। तीसरे कैटेगरी पे आ जाओ, इसको भी सेम नामकरण देंगे और एक नंबर से इधर से नंबरिंग भी करेंगे। चलो देखो, 1-chloro समूह जुड़ा है ना, क्लोरोबेंजीन, केवल क्लोरोबेंजीन भी प्रचलन में है, 1-chloro-benzene। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ, चौथे नंबर पे आते हैं। ये सारे के सारे एकल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक थे क्योंकि प्रतिस्थापी समूहों की संख्या केवल एक है। यहाँ देखो, ये सभी के सभी द्विप्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक हैं क्योंकि प्रतिस्थापी समूहों की संख्या दो है। इधर देखो, यह त्रिप्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक है, यहाँ प्रतिस्थापी समूहों की संख्या दो है। इस कैटेगरी में हमने लिया हुआ है दो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप और एक साइड चेन, ठीक है। चलो चौथे नंबर का नामकरण करते हैं। इसमें देखो, दो मेथिल समूह जुड़े हैं, आप इसको एक पोजीशन देंगे तो इस दिशा से नंबरिंग करेंगे, 1, 2, और अगर इसको एक पोजीशन देते हैं तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। न्यूनतम योग नियम का पालन सभी जगह करते चलना है। देखो, 1,2-dimethyl यह पूर्व लग्न के रूप में हो गया और उसके बाद बेंजीन लिखेंगे जो शब्द मूल है, 1,2-dimethyl-benzene। एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ, 1,2 पोजीशन को आर्थो पोजीशन भी कहते हैं। देखो, 1,2 पोजीशन को हम आर्थो कहते हैं, 1,3 को, यहाँ देखो, 1,2,3, 1,3 पोजीशन को मेटा पोजीशन, और यहाँ देखो 1,2,3,4, 1,4 को पैरा पोजीशन नाम दिया गया है, ठीक है। तो बहुत कॉमन है चीज़ें, कॉमन नामकरण में यह आर्थो, यह मेटा, यह पैरा। आर्थो वाली बात आएगी तो 1,2 पोजीशन, मेटा वाली बात आएगी तो 1,3, और पैरा वाली बात आएगी तो 1,4 पोजीशन होगा। इसके नामकरण पे आते हैं। देखो, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, 1,2,3,4,5,6, 1,3, इसके बाद दो हाइड्रॉक्सी समूह है तो डाइहाइड्रॉक्सी, 1,3-dihydroxy,
और शब्द मूल के रूप में बेंजीन। ठीक है, अब आप आ जाओ इस कैटेगरी पे। देखो दो सीएल समूह हैं और पहले ही बता चुका हूँ कि ये पोजीशन पहला है। नंबरिंग करो आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1,4-dichloro, 1,4-dichloro बेंजीन, 1,4-dichloro बेंजीन। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, सातवें नंबर पे, यह त्रिप्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक है और इसके लिए भी नंबरिंग हम चाहें किसी भी पोजीशन शुरू करते हैं, इस मेथिल से वाले ग्रुप से, इससे और इससे, किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हैं तीनों में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह एक सममित यौगिक है, सिमेट्रिकल है। अब देखो मेथिल समूह की पोजीशन क्या दिखाएंगे, 1, 3, 5 ट्राई मेथिल, 1, 3, 5 ट्राई मेथिल बेंजीन, 1, 3, 5 ट्राई मेथिल बेंजीन। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आ जाओ आप और देखो यहाँ दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रधान फंक्शनल ग्रुप उसी को मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप उसी को मानेंगे जो वरीयताक्रम में ऊपर है और वरीयताक्रम में एसिड सबसे ऊपर है, तो यह मुख्य क्रियात्मक समूह है, नंबरिंग यहीं से शुरू कर देंगे। और अब आप सोचो किस दिशा में बढ़ें, इधर की तरफ कि इधर की तरफ, तो जिधर से दूसरा समूह नज़दीक हो उधर की तरफ बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में, तो 3-hydroxy, इसके बाद इसका पूरा नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बाकी इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3-hydroxy बेंजीन 1-oic एसिड, बेंजीन 1-oic एसिड, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है, 3-hydroxy बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इधर से भी देखो यह एमाइड समूह जुड़ा है, यही प्रधान समूह है, दूसरा साइड चेन है मेथिल समूह। ठीक है, तीन नंबर से मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 3-methyl और इसके बाद बेंजीनामाइड, इसको लिखते हैं बेंजीन 1-amide भी लिख सकते हैं, लेकिन बेंजीनामाइड कॉमन चीज़ है, बेंजीनामाइड ये ज़्यादा प्रचलन वाला नाम है, 3-methyl बेंजीनामाइड। नेक्स्ट वाले कैटेगरी पे आ जाते हैं जिसमें पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक हैं और इनमें हम नामकरण के लिए अब इसको मुख्य चेन मानते हैं और इसको ग्रुप के रूप में मानते हैं और इसका नाम फेनिल ग्रुप लिखते हैं, फेनिल या अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस कंपाउंड के लिए हम क्या नाम लिखेंगे, एक ही कार्बन का यौगिक है, अगर इसको हम ढक लेते हैं, यहाँ एक और हाइड्रोजन लगेगा तो क्या हो जाएगा, CH3OH, अर्थात यह मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल के साथ फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल, यह है इसका IUPAC नाम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं और अब आप यहाँ देखो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर करेंगे, देखो यह हो गया एक प्रतिस्थापी समूह जिसको फेनिल समूह कहेंगे और इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह OH इधर दिख रहा है, तो इसको कार्बन नंबर 1, देखो 1, 2, 3 और ये कार्बन नंबर 4 है, अर्थात अगर इसको हटा देते तो यह का तो क्या होता, ब्यूटेन 1-ol होता और तीन नंबर से फेनिल समूह जुड़ा है तो 3-phenyl पोजीशन दिखाएंगे। देखो पूर्व लग्न के रूप में 3
फेनिल, इसके बाद ब्यूटेन, वन आल, थ्री फेनिल ब्यूटेन वन ऑल। ठीक है, तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाओ और यहाँ ध्यान दो आप। अभी इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ है। अगर केवल यही यौगिक होता तो तीन कार्बन का एसिड है और यह होता प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन वन ओइक एसिड। ठीक है, इसके तीसरे नंबर कार्बन के साथ यह समूह जुड़ा है। केवल यही होता तो फेनिल होता, लेकिन इसके साथ भी लफड़ा हो गया। क्या इसमें भी ब्रांचिंग है? अब क्या करेंगे, इसमें ब्रांचिंग है तो इसमें भी नंबरिंग होगी और इधर भी नंबरिंग होगी। देखो आप यहाँ 1, 2, 3 और इसको हम वन पोजीशन देंगे जहाँ से यह मुख्य चेन से जुड़ा है, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखना है और इसमें ब्रांचिंग है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीन नंबर के साथ दिखाएंगे फेनिल समूह को तो 3 और इसके बाद कोष्टक में लिखेंगे इसका नाम, देखो 4-ethyl, चार नंबर से एथिल जुड़ा है, 4-ethyl फेनिल, 4-ethyl फेनिल, ये कोष्टक बंद। अब इसके बाद ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन वन ओइक एसिड, तीन कार्बन है ना, प्रोपेन वन ओइक अम्ल, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, 3-4-ethyl फेनिल प्रोपेन वन ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण करते हैं। आप यहाँ खास ख्याल रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नामकरण के सभी नियम जो हैं आज पूरे हो गए हैं। आप प्रैक्टिस करें, कैसे करें, एक बार वीडियो देखने के बाद आप सारे यौगिकों को अपनी कॉपी पे लिखें, नाम स्वतः लिखें, देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और सारे नियम लिखने आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।